हेलो फ्रेंड्स, रीना रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रीना रसोई में चूरे का एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाने जा रहे हैं। इसको बहुत लोग पोहा भी कहते हैं। अब सबसे पहले हमने एक कप मोटा या पतला, आपके पास जो भी चूरा हो वो ले सकते हैं। अब इसको हम दो तीन पानी से धोकर दिखाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने तीन से चार बार चूरे को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमने एक मिक्सी का जार लिया है, ऐसे जो चूरा हमने धो के रखा था इसको हम मिक्सी में डाल देंगे। अब इसमें हम एक सूखा लाल मिर्चा डालेंगे और इसमें हम आधा कप सूजी डालेंगे। आधा कप इसमें हम दही डालेंगे, आधा कप दही डालेंगे। अब इसमें हम पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसको जार को बंद करके हम एक बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। अब इसमें मिक्सर मेरा गाढ़ा था तो हमने इस कप से इसको दो बार थोड़ा थोड़ा आधा आधा कप पानी डाला है। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये देखिए, अभी हम आपको मिलाकर दिखा रहे हैं। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसको थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। अब इसको खूब अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एक केक बनाने वाला या थाली या जो भी आपके इस तरह से बराबर का बर्तन हो उसको बनाने के लिए आप ये ले लीजिएगा। अब इसमें देखिए, पूरी तरफ हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया है, चारों तरफ इसमें ऑयल अच्छी तरह लग गया है। ये सब तैयारियां कर लीजिएगा, फिर ये जो बैटर है इसमें हम आधा चम्मच इनो डालेंगे। आधा चम्मच इनो डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये पॉट जो हमने तैयार करा है, अब इसमें इस बैटर को हम डाल देंगे। खूब अच्छी तरह से मिलाइएगा। एक तरफ हमने कढ़ाई में पानी रख दिया था, पानी भी हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर इस पॉट को हम रख देंगे और 5 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे। इस नाश्ते को और चटपटा और नए तरीके से बनाने के लिए देखिए, हमने ये दो आलू बड़े बड़े थे इनको उबाल कर खूब अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसको और बढ़िया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें भुने जीरे का पाउडर। अब इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे खटाई, पिसी खटाई, और आधा चम्मच इसे हम डालेंगे चाट मसाला। आप इस जगह हरे मिर्चे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पिसा लाल मिर्चा। और इसमें हम बैटर में भी नमक डाल चुके हैं, इसलिए हम नमक थोड़ा, जितना आलू है उस हिसाब से नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ज्यादा कम भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज डालेंगे। प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं। हम इसको और थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा शिमला लाल मिर्च डाल रहे हैं। शिमला मिर्च को महीन महीन काट लिया है। अब हम इसमें करी पत्ते डालेंगे, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। आपके पास अगर हरी धनिया है तो हरी धनिया डाल दीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप हरे मिर्चे को महीन महीन काट कर या पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं। आधा चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर डाला। अब इन चीजों को मिलाएंगे, अब इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे।
5 मिनट हो गया है, ये देखिए इसकी लेयर ऊपर बिल्कुल सूख गया है। अब इसको हम बाहर निकाल देंगे और अच्छी तरह से इसको ठंडा होने देंगे, फिर आगे क्या करना है हम आपको बताते हैं। अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है, अब इसमें थोड़ी सी हम चटनी लगाएंगे, चटनी को सब तरफ फैला देंगे, ये इससे नाश्ता जो है और चटपटा हो जाएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा और बिना ऑयल का, बहुत जरे से ऑयल कब लगना है भी देखिए हम आपको बताएंगे। सेकने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल का भी इसमें प्रयोग नहीं है, ये नाश्ता बच्चों को आप टिफिन में भी ये बनाकर दे सकते हैं। अब हमने सब तरफ चटनी अच्छी तरह से लगा दिया है, अब इसके ऊपर हम आलू की लेयर लगाएंगे। दूसरा जो बैटर था दोनों की क्वांटिटी बराबर रखी थी, अब इसमें भी हम आधा चम्मच इनो डालेंगे और जरा सा पानी डालेंगे, जिससे हमारा जो इनो है वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे, अब इसके ऊपर इस बैटर को चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। ये देखिए पूरी अच्छी तरह से हमने इसको फैला दिया है, अब इसको हम उसी पानी में रख देंगे। आंच को धीमा रखिएगा और 8 से 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। 10 मिनट इसको हमने पूरा पकाया था धीमी आंच पर, अब ये देखिए पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको कॉर्नर से हम इसको इस तरह से, जिससे निकालने में आसानी रहे। आपने ऑयल लगा दिया है, ऑयल लगा देने से इसमें बहुत जल्दी से, अब इसको हम, वाओ, अब इसको हम कटिंग करेंगे। इसमें केवल 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे, बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें हम तिल डालेंगे, पूरी तरह से हमने तिल को भूना नहीं था, क्योंकि जब हम ये इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी करेंगे तो वो तिल हमारा भूनकर अपने आप तैयार हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे, एक तरफ इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाने देंगे। ये देखिए इतना बढ़िया चटपटा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए ये वाले एक एक तरफ से क्रिस्पी हो गए, इनको गोल्डन ब्राउन कर देना है, तभी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। केचप के साथ भी आप खा सकते हैं, कोई चटनी के साथ खा सकते हैं, और आप इसको बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। देखिए कम सामान में कितना बढ़िया यम्मी स्नैक्स बनकर तैयार हुआ है। इसको अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आपने हमारी रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं करा है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज जरूर करिएगा। इसी तरह की बढ़िया बढ़िया यम्मी रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।